स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था, जो कि चैप्टर नंबर 12 है आपका। और इस चैप्टर में हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, एक सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें चार कंपोनेंट थे हमारे, विजिबल, इनविजिबल, कैपिटल और यूनिलेटरल ट्रांसफर, है ना। तो जिसमें हमने देखा था दो जो आपके आइटम्स होते हैं, मतलब जब हम इसको क्लासिफाई करेंगे तो दो कंपोनेंट निकल के आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, जिसमें हमें आज डिस्कस करना है करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके अलावा हमने इसमें पढ़ा था बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसको हम बोलते थे जब विजिबल आइटम का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, मतलब गुड्स का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता था, उसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते थे। इसके बाद हमने सरप्लस पढ़ा था और डेफिसिट पढ़ा था। सरप्लस मतलब जो हमारा जो रिसिप्ट होगा वो ज़्यादा होगा पेमेंट से, तो सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा। जो हमारी पेमेंट ज़्यादा होंगी और रिसिप्ट कम होंगी तो उसे हम बोलेंगे डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके अलावा हमने देखा था इसमें क्रेडिट आइटम और डेबिट आइटम। तो क्रेडिट साइड या डेबिट साइड आपका, क्रेडिट का मतलब है जो भी इनफ्लो होता है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में उसको आप रिकॉर्ड करते हो क्रेडिट साइड, और जो भी आउटफ्लो होता है उसको रिकॉर्ड करते हो आप डेबिट साइड। आज हम डिस्कस करेंगे इसके कंपोनेंट, जिसमें आपका एक आता है करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक आता है कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब हम करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करेंगे तो इट रेफर्स टू एन अकाउंट विच रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन्स। कौन से ट्रांजेक्शन्स? ऑल द ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, मतलब विजिबल आइटम्स, सर्विसेज, मतलब इनविजिबल आइटम्स एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, मतलब कि इसमें वो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं जो कि ना आपके एसेट्स को अफेक्ट करते हैं ना ही लाइबिलिटीज को, मतलब जो आपको कोई क्लेम क्रिएट नहीं करते इन फ्यूचर। तो एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम यदि आप इसको मेजर करते हो, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो, इसको आप बोलते हो करेंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट। कंपोनेंट क्या क्या है करेंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट के? तो सबसे पहले हमने पढ़ा ही था इसमें जो विजिबल आइटम्स होंगे, मतलब एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। तो जो गुड्स का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होगा वो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट होगा, क्या आएगा करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का, जिसमें आपका जो ट्रेड बैलेंस हो सकता है वो डेफिसिट भी हो सकता है और सरप्लस भी हो सकता है, मतलब डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो डेबिट होगा कब? जब आपका जो पेमेंट्स है वो ज़्यादा होंगी, मतलब आप इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे होगे और एक्सपोर्ट कम कर रहे होगे, क्योंकि आप इम्पोर्ट ज़्यादा करोगे तो पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी। जब आपके पेमेंट ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू योर इनकम, तो वहां पे आपका जो डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड डेफिसिट। और यदि आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा करते हो और इम्पोर्ट कम करते हो तो दैट कम्स अंडर ट्रेड सरप्लस। दूसरा हमारा जो इसका कंपोनेंट है वो है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, मतलब इनविजिबल आइटम। जैसे हम देखते हैं इसमें जनरली तीन चीजें आती हैं आपकी, बैंकिंग आती है, इंश्योरेंस आती है और शिपिंग आती है। तो ये हमारा जो भारत का एक रेसिडेंट है और भारत के बाहर जो फॉरेन कंट्रीज है इनके बीच में कहीं ना कहीं सर्विसेज का आदान प्रदान या एक्सचेंज होता है। तो जब ये एक्सचेंज होता है तो कई बार हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं सर्विसेज, हम कम इम्पोर्ट करते हैं सर्विसेज, मतलब हम कभी सर्विसेज ज़्यादा दे रहे होते हैं और सर्विसेज कम ले रहे होते हैं। तो हमारा सिंपल है, सरप्लस आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। और यदि हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे होंगे सर्विसेज और एक्सपोर्ट कम कर रहे होंगे तो वो क्या आएगा? हमारा नेगेटिव आएगा। इसके बाद थर्ड आता है हमारा यूनिलेटरल ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब है जो गिफ्ट्स होते हैं, ग्रांट्स होते हैं या किसी तरीके के रेमिटांसेस हम फॉरेन कंट्री में भेजते हैं या फॉरेन कंट्री से हमारे भारत में आता है। तो यदि रिसिप्ट ज़्यादा है और पेमेंट्स कम है तो सरप्लस आएगा, यदि पेमेंट ज़्यादा है और रिसिप्ट कम है तो क्या आएगा? डेफिसिट आएगा। इसके बाद फोर्थ आता है इसका कंपोनेंट इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। इसमें आपका जनरली जो इंटरेस्ट होता है, रेंट होता है, मतलब आपने किसी तरीके का प्रेमिसेस या किसी तरीके की बिल्डिंग या किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट फॉरेन में करके रखा है और एक रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे या एक तरीके से हाफ ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे आपको जो भी इनकम एक रिकरिंग नेचर की रिसिव्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ रेंट इंटरेस्ट, या आपकी आती है इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। मतलब आप जो यहाँ से भारत से बाहर भेजते हो, यदि कोई प्रॉपर्टी हायर करके रखी है आपने या फॉरेन का कोई पर्सन आपकी प्रॉपर्टी हायर करके रखता है और आपको कोई पेमेंट करता है, तो सिंपल है, जब आप रिसिप्ट ज़्यादा करोगे और पेमेंट्स कम होंगी तो पॉजिटिव आएगा बैलेंस, और यदि आपकी पेमेंट ज़्यादा है और रिसिप्ट कम है तो नेगेटिव आएगा बैलेंस। इसी में हमें देखना है बैलेंस करंट अकाउंट के दो हो सकते हैं। एक करंट अकाउंट सरप्लस हो सकता है, सरप्लस तभी होगा जब आपका क्रेडिट क्या हो जाएगा? ज़्यादा काय से डेबिट से, मतलब आपकी जो रिसिप्ट होंगी वो ज़्यादा होंगी काय से आपकी पेमेंट से। और डेफिसिट कब होगा? डेफिसिट तब होगा जब आपके डेबिट ज़्यादा होंगे, मतलब आपकी पेमेंट ज़्यादा होगी काय से? क्रेडिट से। तो ये हमारा था
कंपोनेंट पहला जो हमने करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा। डिस्कस करते हैं कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें सारे वो ट्रांजेक्शन्स आते हैं जो कि एक रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में होते हैं, जो कि आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज में किसी तरीके का क्या लाते हैं, चेंज लाते हैं। मतलब एसेट्स बढ़ रहे होते हैं या लाइबिलिटीज बढ़ रही होती है, और या किसी रेसिडेंट की या गवर्नमेंट की किसी कंट्री की। तो इसमें कंपोनेंट क्या क्या आएंगे आपके, सबसे पहला बोरोइंग एंड टू लेंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। बोरोइंग मतलब आप फॉरेन से पैसा ले रहे हो ज्यादा, लेंडिंग मतलब आप किसी बाहर को पैसा दे रहे हो, बाहरी को पैसा दे रहे हो, फॉरेन को पैसा दे रहे हो। तो इसमें क्या होगा, जब आपकी बोरोइंग ज्यादा होगी और लेंडिंग कम होगी तो नेगेटिव आएगा, लेंडिंग कम होगी और बोरोइंग ज्यादा होगी, लेंडिंग ज्यादा होगी और बोरोइंग कम होगी तो आपका पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट आएगा, कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट। इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, हम भारत के बाहर कोई तरीके का किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा जो फ्लो होगा, कैश फ्लो होगा, वो बाहर जाएगा, नेगेटिव। और यदि हमारे भारत में कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा है ना, मतलब एक तरीके से आप बाहर फॉरेन में इन्वेस्ट कर रहे हो और फॉरेनर आपके भारत में इन्वेस्ट कर रहा है, तो दोनों ही केस में आपका जो पैसा है वो आपके पास से जा रहा होता है और एक में पैसा आ रहा होता है। तो जब आपके रिसिप्ट ज्यादा होंगी और पेमेंट कम होगी तो पॉजिटिव, पेमेंट कम होगी और रिसिप्ट ज्यादा होगा तो नेगेटिव। इसके बाद चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो गवर्नमेंट का फॉरेन एक्सचेंज होता है, इसमें यदि किसी तरीके का चेंज आता है तो चेंज आने का मतलब क्या है, वो रिजर्व या तो कम हो रहा होता है या तो बढ़ रहा होता है। तो यदि वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ रहे होते हैं तो डेबिट है ना, और यदि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो रहे होते हैं तो क्रेडिट। इसके बाद बैलेंस क्या आते हैं आपके कैपिटल अकाउंट के, पहला आता है सरप्लस और दूसरा आता है डेफिसिट। सरप्लस आसान है, जब आपका क्रेडिट साइड ज्यादा होगा काहे से, डेबिट से। और डेफिसिट कब, जब आपका क्रेडिट साइड क्या होगा, कम होगा काहे से, डेबिट से। तो ये आपका डिफरेंस था कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट का, जिसमें आपके दो कंपोनेंट आते हैं, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट आपका वो होता है जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर या एक तरीके से जो कोई ना एसेट ना लाइबिलिटीज को अफेक्ट करता है, ना कोई क्लेम क्रिएट करता है। वहीं यदि आप कैपिटल अकाउंट की बात करते हो तो कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, जो कि आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव आपको ध्यान रखना है काय से, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड से। क्रेडिट मतलब इनफ्लो और डेबिट मतलब आउटफ्लो। तो यदि क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है तो सरप्लस, और यदि डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है तो आपका डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं ऑटोनोमस आइटम्स और अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होते हैं। ऑटोनोमस आइटम्स, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, अबव द लाइन आइटम्स के नाम से भी जानते हैं, ये वर्ल्ड इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए करे जाते हैं। मतलब कोई एक कंट्री या एक दूसरी कंट्री के जो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो आपस में कोई ट्रेड करते होते हैं या कोई ट्रांजेक्शन करते होते हैं, जिससे उनको प्रॉफिट की मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए जो ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं। तो ये जनरली जो बीओपी होता है, बीओपी को अफेक्ट करते हैं। बीओपी में सरप्लस और डेफिसिट जो होता है, उसका एक मेन रीजन आपका ऑटोनोमस आइटम्स भी होते हैं। यदि आप अकोमोडेटिंग आइटम्स की बात करते हैं, तो अकोमोडेटिंग आइटम्स वो ट्रांजेक्शंस होते हैं जो कि जो गैप होता है ना, मतलब जो गैप होता है काय में, डेफिसिट में या सरप्लस में, काय के बैलेंस ऑफ पेमेंट के, उस डेफिसिट और सरप्लस के जो गैप होते हैं उसको कवर करने के लिए जो ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं, उसको आप अकोमोडेटिंग आइटम्स कहते हैं। इसको आप बोलते हैं बिलो द लाइन आइटम्स। तो आपको कई बार एग्जाम में दोनों तरीके से पूछ लेता है, व्हाट डू यू मीन बाय अबव द लाइन आइटम्स एंड बिलो द लाइन आइटम्स। अब हमारा जो डेफिसिट होता है और सरप्लस होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो सिंपल है, डेफिसिट तब होगा जब आपका जो ऑटोनोमस ट्रांजेक्शन्स है ना, वो उसमें इनफ्लो ज्यादा होगा है ना, और आउटफ्लो क्या होगा, कम होगा। तो आउटफ्लो कम होगा मतलब आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, कम कर रहे हो, और आपके यहाँ जो इनफ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक तरीके से कम है, और आउटफ्लो क्या है, ज्यादा है। तो जब इनफ्लो कम होगा, आउटफ्लो ज्यादा होगा, वहां पे डेफिसिट होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में। और यदि आपका इनफ्लो ज्यादा होता है और आउटफ्लो कम होता है, तो वो सिचुएशन होगी आपकी जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, आपका सरप्लस में होगा। तो इनफ्लो आपका एक्सीड कर जाए काय को, इनफ्लो आपका एक्सीड कर जाए काय को, आपका आउटफ्लो को, तो वहां पे आप सरप्लस होंगे। जहां पे आपका इनफ्लो कम हो जाएगा आउटफ्लो से, वहां पे आप क्या होंगे, डेफिसिट होंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसको हम अबव द लाइन आइटम्स बोलते हैं और इसको हम बिलो द लाइन आइटम्स बोलते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 12, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके बाद हम इस सीरीज को कंटिन्यू करके आपकी जो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर हैं, सारे ही चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे थ्योरेटिकल। साथ ही साथ हम आपके लिए जो प्रीवियस ईयर बोर्ड के पेपर हैं उसको भी सॉल्व करके एक वीडियो आपके सामने लाएंगे, ताकि आप एक डिस्कशन के थ्रू आप ताकि आप एक सॉल्यूशन के थ्रू देख सकें कि किस तरीके से हमें जो हमारा क्वेश्चन पेपर है बोर्ड का, उसको अप्रोच करना है। थैंक यू।